नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे SFAC की, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। इसे हिंदी में कहते हैं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। ये क्या है, इसे एक हम एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आपको कोई व्यापार शुरू करना है और 1 लाख रुपए आपको चाहिए उस व्यापार को शुरू करने के लिए, और आप 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं। आपके घर के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि 1 लाख रुपए में 26% अर्थात 26,000 रुपए हम आपको दे देंगे और बाकी का 74,000 रुपए आप बैंक से लोन ले लीजिए। तो 74,000 रुपए पर तो आपको ब्याज लगेगा, लेकिन 26,000 रुपए जो आपने अपने पिताजी से या भाई से या दोस्त से लिया है उस पर आपको ब्याज नहीं लगेगा। यही SFAC की योजना है। वास्तव में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और उसे नाम दिया SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। कृषि के क्षेत्र में जो व्यापार है, कृषि के क्षेत्र में जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं, जो FPOs हैं, ये लोग 5 करोड़ रुपए तक, 15 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो आप अपने बैंक के लोन का 26% इस SFAC से लोन ले सकते हैं। लोन ले सकते हैं, सब्सिडी नहीं, लोन मिलेगा। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए आप खुद के लगाते हैं, बैंक आपको 1 करोड़ रुपए फाइनेंस करती है, तो आप 26 लाख रुपए SFAC के तहत केंद्र सरकार से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आपको ब्याज नहीं लगेगा, 0% इंटरेस्ट है, और बाकी का 74 लाख रुपए आप बैंक से लोन लेते हैं। और मान लीजिए कि 7 साल की 84 किश्तों में आपको उसको लौटाना है, तो उन्हीं 84 किश्तों में आपको ये 26 लाख रुपए भी लौटाना पड़ेगा। अब ये इस योजना में आवेदन कहां करना है, उसकी प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी पहले कुछ डिटेल्स को हम समझें। जो ये पैसा सरकार द्वारा 0% पर दिया जा रहा है, इसे वेंचर कैपिटल असिस्टेंस कहा जाता है, VCA, उद्यम पूंजी सहायता। मान लीजिए कोई FPO है, FPO की हम हमारे पुराने वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, इसके 2 वीडियोस हमने YouTube पे डाले हुए हैं। यस आई कैन सुनील हिरानी इस चैनल पर आप जाएंगे तो आपको FPO पार्ट 1 और FPO पार्ट 2 मिलेगा। मैं आपको ये बता दूं कि केंद्र सरकार ने 10,000 FPOs को नाबार्ड से, SFAC से वेंचर कैपिटल असिस्टेंस के रूप में 10,000 FPOs को चयन करके और ये सहायता देने का निर्णय लिया है, और अभी वो प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। हर व्यक्ति, हर किसान एक FPO से जुड़ना चाहता है, इसमें बहुत तेजी आ गई है। अब ये बात है कि इसमें अधिकतम 50 लाख तक ही लोन मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 26% जितना लोन आपने बैंक से फाइनेंस कराया है उसका 26% आपको वेंचर कैपिटल असिस्टेंस मिलेगा, जिसपे 0% ब्याज लगेगा। और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में भी मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, उसमें आपको 3% ब्याज भी मिलता है, ब्याज की भी छूट मिलती है। तो अभी अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में FPOs के माध्यम से, कंपनीज के माध्यम से, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर कैसे भी अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत
आपको वेंचर कैपिटल असिस्टेंस, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3% की ब्याज की छूट, इनका फायदा आप उठा सकते हैं। पुनः हम बात करेंगे SFSE अर्थात इस योजना की जो हम आज जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कोई भी स्टार्टअप 50 लाख रुपए तक लोन ले सकता है जिसमें मिनिमम प्रोजेक्ट कास्ट 15 लाख से अधिकतम 5 करोड़। अब इसमें जब हम आवेदन करते हैं, आवेदन कब कर सकते हैं? जब आपका प्रोजेक्ट बैंक से सैंक्शन हो जाता है। बैंक अगर सैंक्शन दे देती है उसके बाद आप ऑनलाइन इसके गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी प्रोसेस आपकी चालू हो जाती है और बैंक को वो चीज आ जाती है और वेंचर कैपिटल बैंक के माध्यम से आपके प्रोजेक्ट में इनपुट के रूप में आती है। ये सब्सिडी नहीं है, ये लोन है जो आपको 0% पे है और आपको जो भी बैंक की इंस्टॉलमेंट्स हैं उसके साथ साथ चुकाना है। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट 15 लाख से कम है तो वो इस योजना में नहीं आएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट 15 लाख से अगर अधिक है और 25 लाख तक है तो 25,000 रुपए की फीस आपको भरना पड़ता है इस सहायता को लेने के लिए। 25 लाख से ऊपर और 3 करोड़ तक अगर आप जाते हैं, 25 लाख से 1 करोड़ तक अगर आप जाते हैं तो 50,000 रुपए की आपको एप्लीकेशन के लिए फीस लगती है। 1 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ तक 75,000 और 3 करोड़ से 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर 1 लाख रुपए की फीस लगती है। आपको केवल ये फीस लगना है और आपको अधिकतम 50 लाख रुपए मिलेगा और आप 0% लोन, टोटल फाइनेंस का 26% सरकार आपके प्रोजेक्ट में बिना किसी ब्याज के लगा रही है। बहुत शानदार योजना है। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस के रूप में SFSE स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जैसा कि इसके नाम से विदित है एग्री बिजनेस, जो भी व्यापार या उद्यम है वो कृषि आधारित होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एक इंडिविजुअल कृषक अप्लाई कर सकता है जो कि प्रोप्राइटर हो, या पार्टनरशिप फर्म में अगर वो कृषक है वो फर्म के थ्रू अप्लाई कर सकता है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में अप्लाई कर सकता है, कंपनी के रूप में अप्लाई कर सकता है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अप्लाई कर सकता है और एक FPO भी इस काम के लिए, इस योजना में अप्लाई कर सकता है।